गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत गसे और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे डेली करेंट अफेयर। आज है 23 दिसंबर, हम पढ़ेंगे 22 दिसंबर की डेली करेंट अफेयर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे स्वदेशी रूप से विकसित की, क्या मतलब स्वदेशी रूप से अगली पीढ़ी के लिए, स्वदेशी रूप से अगली पीढ़ी के लिए अमर इंजीनियरिंग अमर इंजीनियर रिकॉग्नाइन सेंस रिकॉग्नाइज सेंस व्हील कल, मतलब अगली पीढ़ी के लिए ये व्हीकल्स विकसित किए गए जो कि स्वदेशी रूप से है। आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉग्नाइज सेंस ऑफ व्हीकल्स, जो कि अगली पीढ़ी के लिए ये चीज़ सक्षम है। ठीक है, इसको 21 दिसंबर को, कितनी, इसको 21 दिसंबर को भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया, किसके, भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल कब किया गया, 21 दिसंबर को किया गया। ये स्वदेशी रूप से आर्वर्ड इंजीनियर रिकॉग्नाइज सेंस व्हीकल्स हैं। ठीक है, ये मतलब नई पीढ़ी के लिए विकसित हैं। ठीक है, सेना के प्रमुख किसमें, सेना के प्रमुख जनरल क्या नाम था, एम एम नरवणे, इन्होंने क्या किया, पुणे के पास खिड़की से, पुणे के पास एक खिड़की में मुंबई इंजीनियर्स ग्रुप के एक समारोह में क्या किया इन्होंने, वहीं से इन्होंने इस चीज़ के लिए हरी झंडी दे दी कि आप इसमें शामिल कर सकते हो, कोर ऑफ इंजीनियर्स में अवार्ड ऑफ इंजीनियर्स रिकॉग्नाइज ऑफ व्हीकल्स को शामिल कर सकते हो। ठीक है, इस प्रणाली को किसने विकसित किया, डीआरडीओ ने। ठीक है, इसको प्रणाली को विकसित किसने किया, डीआरडीओ ने। ठीक है, इसका डिजाइन किया अयोध्या निर्माणी एंड निर्माणी मैडक एंड VEL ने पुणे निर्माता, मतलब इन्होंने पुणे में इस चीज़ को निर्मित किया, किसको किया, अवार्ड ऑफ इंजीनियर्स रिकॉग्नाइज सेंस ऑफ व्हीकल्स, इन व्हीकल्स को इसने डिजाइन किया। ठीक है, डिजाइन कहाँ किया गया, पुणे में किया गया, किसके द्वारा, आयुध निर्माणी मेडिक एंड VEL के द्वारा इसको निर्मित किया गया। ठीक है, कहाँ पे, पुणे में इसको निर्मित किया गया। ठीक है, भारत में हर वर्ष, इंडिया में हर वर्ष कितनी, 22 दिसंबर को, बाईस दिसंबर को कौन सा गणतज्ञ दिवस मनाया जाता है, गणित दिवस मनाया, राष्ट्रीय, नेशनल,
गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 22 दिसंबर को गणित के रूप में, किसको? इंडिया, इंडिया को, इंडिया में 22 दिसंबर को नेशनल गणित, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है इसको भी तो कोई कारण होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध गणितज्ञ, प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका क्या नाम था, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन द्वारा प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज क्या जयंती थी, इस उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को नेशनल गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2012 में किसने बोला? पीएम मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन द्वारा 2012 में पीएम डॉक्टर मनमोहन ने इस तिथि को क्या किया, नेशनल मैथमेटिक्स डे घोषित कर दिया। किसने कब किया? 2012 में इनको घोषित किया गया। यह 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज क्या किया, 2018 में श्रीनिवास रामानुज द्वारा 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज में ट्रिनिटी कॉलेज में फैलो में चुनने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, मतलब इन्होंने इनको चुना गया। ठीक है, किसके लिए? फैलो के लिए इनको चुना गया। और इन्होंने प्रमेय की खोज की। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? 3900 प्रमेय, 3900 प्रमेय स्वतंत्र रूप से इन्होंने 39 प्रमुख बताए, उन्होंने प्रमुखों की खोज की। ठीक है, किसने की? श्रीनिवास रामानुज द्वारा ने इन्होंने प्रमुखों की खोज की। कर्नाटक ने क्या किया? कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडर जेंडर द्वारा, मतलब ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस विभाग में, किसमें? पुलिस विभाग में पुलिस विभाग के सभी पदों के लिए कितना? 1% का आरक्षण दिया। किसको दिया? इनको दिया। ठीक है, 1% का सभी विभागों के लिए आरक्षण दिया। किसके द्वारा दिया? मतलब इनको सरकार अपने आप से तो खुद देगी, दिया नहीं होगा इनको। किसके? कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा इस फैसले को लिया गया, जिसमें 1% आरक्षण पुलिस विभाग में कर्नाटक सरकार ने अभी दिया है, क्योंकि अभी इसके फॉर्म निकालने, इस चक्कर में इन्होंने 1% का आरक्षण दिया। और कर्नाटक ऐसा राज्य बन गया, कौन सा? कर्नाटक ऐसा राज्य बन गया जो कि सार्वजनिक रोजगार देने वाला फर्स्ट राज्य। ठीक है, जो कि सार्वजनिक रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक पहला राज्य बन गया जो कि सार्वजनिक रोजगार दे रहा है। ठीक है, कौन? कर्नाटक राज्य पहला राज्य बन गया जो कि सार्वजनिक रोजगार दे रहा है। ठीक है, राफेल 2016 में जो कि भारत सरकार द्वारा कितना, भारत द्वारा फ्रांस के साथ कितना, 59,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था, जिसमें 36 राफेल विमान कब हुआ था? नवंबर में
सितंबर में हुआ था, सॉरी सितंबर में यह सौदा हुआ था, ठीक है। इसीलिए सरकार ने इस सौदे को इस सौ और इसमें क्या किया था, इस सौदे में ये था कि हम ये राशि कर रहे हैं इसका कितना, इस राशि का 50% आप हमारे यहाँ क्या करेंगे, भारतीय भारत में अपसेट के रूप में, अपसेट के रूप में पुनः निवेश करेंगे। मतलब आप जो हम जो आपको धनराशि दे रहे हैं इसको आप हमारे देश में अपसेट के रूप में निवेश करेंगे, ठीक है। तो क्या किया फ्रांस ने, क्या किया, इस चीज़ का उल्लंघन किया। इस उल्लंघन के लिए फ्रांस पर 1 मिलियन यूरो का जुर्माना, कितना, 1 मिलियन के यूरो का जुर्माना दिया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने और रक्षा मंत्रालय ने, किसने दिया, रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। रक्षा मंत्रालय द्वारा किसको दिया गया, सॉरी, रक्षा मंत्रालय द्वारा किसको दिया गया, मिसाइल निर्माता, यूरोपीय मिसाइल निर्माता कौन है, MBDA, इस पर 1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया, ठीक है। 1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया, ठीक है। भारत में कम दूरी की सरफेस टू सरफेस, किसमें, भारत में सरफेस टू सरफेस क्या किया, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, इसका क्या नाम है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है, प्रलय का सफलतापूर्वक ओडिशा के तट पर, कहाँ पे, ओडिशा के तट पर, ओडिशा के तट पर क्या गया, इसका प्रशिक्षण किया गया, ठीक है। और यह सफलतापूर्वक हुआ। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक। इसकी मारक क्षमता कितनी है, सॉरी, इसकी मारक क्षमता प्रलय की 350 से 500 किलोमीटर है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। इसकी मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस। और इसमें क्या है, इसकी पेलोड की, ठीक है, दो मिसाइलों का परीक्षण हुआ गया, ठीक है। इसकी कितनी क्षमता है, इसके 500 से 1000 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस, ठीक है। पेलोड ये दूसरी मिसाइल है जिसका भी परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया, और इसकी भी मारक क्षमता 500 से 1000 के बीच है, ठीक है। और ये कब किया गया, 22 दिसंबर को इन दोनों का परीक्षण किया गया, कौन सी मिसाइल का, प्रलय का और पोलोट का, ठीक है, ये रही ये मिसाइल, ठीक है, इसका परीक्षण किया गया। पाकिस्तान ने एक मिसाइल विकसित की है, ठीक है। इस मिसाइल का नाम क्या रखा, स्वदेशी रूप से विकसित की है, स्वदेशी मिसाइल, क्या नाम है इसका, बाबर, इसका बाबर क्रूज मिसाइल, बाबर क्रूज मिसाइल जिस बन भी, ठीक है, इसका उन्होंने परीक्षण किया, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है, इसका परीक्षण किया और ये सफल रहे, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है, 450 किलोमीटर इसकी रेंज है, और यह सतह से सतह, सतह टू सतह और सतह
टू सी, मतलब इनकी मारक क्षमता सतह टू सतह भी और सतह से समुद्र में भी इनकी मारक क्षमता बिल्कुल सटीक है। ठीक है, ये आज के पॉइंट खत्म हो गए। हाँ एक पॉइंट और है, संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया। ठीक है, संसद द्वारा विधेयक पारित किया गया, किसके द्वारा? संसद द्वारा विधेयक में संशोधन या पारित किया गया। विधेयक में क्या किया? पारित किया गया। इस विधेयक में क्या किया? फर्जी मतदाताओं को हटाया जाएगा। मतलब इस संसद द्वारा एक विधेयक पारित हुआ जिसमें फर्जी मतदाताओं को हटाया जाएगा। ठीक है, बस ये था लास्ट पॉइंट। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।